13 मार्च को रंगों का पर्व धुलंडी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। होली को लेकर बाजारों में रंग बिरंगे गुलाल बिक्री के लिए सज चुके हैं, तो वही दुकानदारों ने बच्चे और बड़ों के लिए कई किस्मों की पिचकारियां मंगवाई है। बात की जाए होली पर सबसे अधिक बिकने वाली गुलाल की, इस वर्ष आरा रोड से बने और हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा देखी जा रही है, जबकि पक्के रंगों की मांग नहीं के बराबर है। आरा रोड से बनी गुलाल 50 रुपए से 80 रुपए किलो तक बिक रही है, जबकि सुगंधित हर्बल गुलाल 100 से 200 रुपए किलो तक बिक रही है। वहीं पिचकारियों में इस वर्ष नए 500 और 2000 के नोटों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा देखी जा रही है। इसके साथ ही गणेश टोपी, चश्मे, डोरेमोन, स्पाइडरमैन, छोटा भीम और टैंक वाली पिचकारी भी बच्चे और बड़ों ने खरीदारी की। दुकानदार का कहना है कि हालांकि इस वर्ष प्रतिवर्ष के मुकाबले सीजन कुछ कम नजर आ रहा है, लेकिन होली और धुलंडी के दिन रंगों और पिचकारियों की मांग बढ़ेगी। बाजार में बहुत तरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं, चाइनीज आइटम है, चाइनीज की डिमांड ज्यादा है क्योंकि चाइनीज में टूटती फूटती नहीं है, इंडियन में अपने लीकेज आती है, इसलिए कस्टमर कम पसंद करते हैं। हमारे पास पिकरचू वाली है, छोटू मोटू है, छोटा भीम, तरह तरह की पिचकरियाँ हैं। पंप वाली पिचकरी में भी इस बार प्रेशर गन में आई हुई है, वो बहुत फास्ट चलती है, तेज प्रेशर वाली चाहिए, और गुब्बारे, कलर, ये इत्यादि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हुए हैं। बड़ों की तो मांग ये है कि पिकरचू वाली अच्छी बिक्री है, अभी पिकरचू वाली है, भीम वाली, छोटा भीम, डोरेमोन और इस तरह की पिचकरी की डिमांड काफ़ी है। अभी तो ग्राहकी बहुत सुस्त चल रही है, उम्मीद है स्टार्टिंग हो जाएगी, लास्ट में चलेगी थोड़ी।